नहीं देखिए कुछ तो ऐसे मैनुअल्स हैं जो ऑल इंडिया हैं फिर एग्जिस्ट कुछ मॉडल प्रिज़न मैनुअल भी बनाया गया है 2016 के आसपास जिसका एक्सपेक्टेशन ये था कि इस पर मॉडल किया जाए स्टेट्स को बट स्टेट्स ने किया है या नहीं किया है मतलब दैट्स अ डिफरेंट थिंग और मजे की बात आपको ये बताऊं कि ये प्रिजन मैनुअल भी अंदर ले जाने नहीं देते मतलब किताबें जो अंदर होते फॉर एग्जाम्पल लाइब्रेरी के अंदर आपको प्रिजन मैनुअल नहीं मिलेगी और अगर आप कोशिश करते हैं उसको मंगाने की तो वो अंदर नहीं ले जाने देंगे आपको अरे भाई प्रिजन मैनुअल है तुम्हारा ही मैनुअल है नहीं 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 मतलब उनको लगता है कि इसके इर्द गिर्द या इसके मांगों के इर्द गिर्द जो है लोग ऑर्गेनाइज हो जाएंगे या कुछ डिमांड करने लगेंगे या वोट एवर और एक चीज़ के बारे में बारे में जेल्स में बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं यू आर नॉट सपोज टू एसोसिएट विद एनीबडी मिल के आप लोग एक पटिशन नहीं दे सकते मिल एक रिप्रेजेंटेशन यू नो दैट इज कॉल्ड की भी आप एसोसिएट कर रहे हैं एंड सो दे वेरी अफ्रेड ऑफ एसोसिएशन ऑफ एनी काइंड एंड आपको इन्फॉर्मेशन भी वो देने को तैयार नहीं दूसरा ये होता है कि बहुत सारी चीज़ें अपने मन से इंटरप्रेट करते हैं जैसे जो प्रिजन मैनुअल है उसमें सिर्फ रिलेटिव की बात नहीं फ्रेंड भी है क्योंकि वो अंग्रेजों ने बनाया था अब अंग्रेजों को सिर्फ रिलेटिव नहीं होता है मतलब अक्सर रिलेटिव कुछ करते भी नहीं है फ्रेंड ही इंपॉर्टेंट है पर हमारे सं, हमारी संस्कृति ये है कि भाई हमारे परिवार के लोग तो इन्होंने इंटरप्रिटेशन ये कर लिया कि सब आपके परिवार एक्चुअली दैट इज नॉट द केस इन द मैन्युअल अच्छा मैम मैन्युअल में बुक्स आपको अलाउड है अब इसमें इन्होंने रिलीजियस बुक्स बना दिया है अरे भाई सिर्फ़ रिलीजन के ऊपर नहीं पढ़ता इंसान बहुत सारी चीज़ें पढ़ता है पी जी वुडाउस भी पढ़ सकता है तो पीजी पी जी वुडाउस भी अलाउड नहीं था आपने सुना होगा तो, आ, आ, तो आ, ये सही में प्रॉब्लम है ऐसा नहीं बहुत सारी कमीशन बैठी हैं प्रजेंट्स को लेके प्रिजन प्रेजेंट कंडीशन को लेके कर वेमेंस कंडीशन को लेके बहुत से अच्छे रिकमेंडेशन आते हैं पर वो लागू होना एक बड़ा वो है क्योंकि प्रिजन एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक्चुअली जो मैंने मुझे समझ में आया कि दे आर रियली अफ्रेड ऑफ अलाउंग प्रिजन टू एक्सप्रेस इतने अफ्रेड हैं ये मतलब उसका एक छोटा रूप ये आप देख सकते हैं कि जो टीचर जो है बच्चों के बोलने से डरता है चुप चुप रहो चुप रहो चुप रहो, रहो मतलब वो वैसे ही प्रिजनर्स को ट्रीट करते हैं नहीं नहीं तुम लाइन में खड़े हो अच्छा तुम लाइन में गिनती करवाओ सो जाओ सो जाओ सब कुछ बंद करो सो जाओ फिर हम सुबह खोलेंगे तुमको यू नो वर ऑल वीज उठते खाते और सोते तो बहुत ही हमारा हेड दूर हो जाता पर ऐसा है नहीं ये ह्यूमन बींग्स हैं इनके ह्यूमन राइट्स हैं मतलब पढ़ने का भी इनका अधिकार है अपनी फैमिली से मिलने का अधिकार है अपने केस को ठीक से करने का अधिकार है अपने लॉयर से भेंट करने का अधिकार है और अगर कन्विक्ट भी होते तो अपने एजुकेशन करने का अधिकार है भविष्य में अपने रिहेबिलिटेशन के लिए सोचने का अधिकार कुछ ट्रेनिंग लेने का अधिकार है अपने कुछ क्रिएटिव टैलेंट्स को एक्सपैंड करने का ये सब है पर वो सब कागज़ पर है और वो प्रिज़न मैनुअल्स में उनकी जो सख्ती है अच्छा बहुत सारी प्रेजुडिस हैं तो मतलब जिनको इन्होंने समझा अरे ये तो गुंडे हैं अरे ये तो चोर हैं अरे ये तो नक्सली हैं अरे ये तो जो है ना फलाने हैं भाई हैव लेबल्ड यू एंड वो लेबल करने के बाद फिर वो आपको आ, नहीं देना चाहेंगे अधिकार वो वो एक कारण बना लेते हैं कि क्यों आपको अधिकार ना दिया जाए क्योंकि आप तो आप तो मौका वाले हो आप तो यूएपीए वाले हो आप तो एनडीपीएस वाले हो आप यू you नो know, जबकि ऐसा प्रिजन मैनुअल में नहीं लिखा हुआ है प्रिजन मैनुअल बहुत क्रिप्टिक है अब जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रिजन मैनुअल में तो ये भी लिखा हुआ है कि अगर एक व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार है तो सुपरिंटेंडेंट कैन राइट टू द कोर्ट टू से दैट यू नो प्लीज ग्रांड दिस पर्सन बेल और इफ इफ दर्सन इज टर्मिनली इल यू नो दै पर्सन इज गोइंग टू डाई तो सुप्रिंटेंडेंट भी एक लेटर लिख सकता है वॉट एवर टू द कोर्ट कि भी आप इनको पर वो इन चीज़ों को एक्सरसाइज नहीं करते हल्का सा फर्क आता है जब लोग जब जैसे हमने अरवड़ा और बायकला में देखा कि जो कॉन्विट्स होते हैं क्योंकि वो लॉन्ग टर्म लोग होते हैं दस दस साल रहेंगे आपके साथ सात सात साल रहेंगे आपके साथ ज्यादा साल भी रह सकते हैं तो उनके साथ शायद एक ह्यूमन रिलेशनशिप बनने लगता है स्टाफ का और उनका तो फिर वो थोड़ा सा अब, अब फॉर एग्जाम्पल वहाँ पर क्या होता है बहुत जो गरीब औरतें हैं उनको तो मतलब वो तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाना अफोर्ड ही नहीं कर सकते अब सजा हो गई उनकी लाइफ इम्प्रजनमेंट हो गई तो सात साल के बाद अगर वो एबल बॉडीड हैं अगर उन मतलब शारीरिक रूप से मजबूत हैं अगर वो आ, उनका कंडक्ट अच्छा है आ, तो उनको ओपन जो फील्ड है मतलब जो खेत है खेत में काम पे भेजा जाएगा और वो जो खेत में काम करती हैं हर दिन जो काम करती है वो उनका रिमिशन के लिए काम करता है तो एक्चुअली वो छूटती हैं कोर्टों की वजह से नहीं ये रिमिशन की वजह से काम करने की वजह से मेहनत करने की वजह से और वही मेहनत कशी लोग हैं ज़्यादातर अंत में उनकी मेहनत ही उनको बचाती है जुडिशरी उनको बचाती नहीं है उनका उनकी उतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो हाई कोर्ट में लीगल एड लॉयर लगा लें सुप्रीम कोर्ट में लीगल एड लॉयर लगा के अपील करें कितना भी अच्छा केस हो उनका तो, तो प्रिजन मैन्यूअल में मैं ये देखती हूँ कि आ, बहुत सारी आ, जो लिबरल एक तो अभी भी बहुत क्रिप्टिक है बहुत सारी चीज़ें डिटेल में नहीं है लेकिन मॉडर्न प्रिजन मैनुअल काफ़ी अच्छा है पर वो अभी लागू अलग अलग स्टेट्स को करना है जेल एक होम होम सब्जेक्ट है एक स्टेट का सब्जेक्ट है उसको करना पड़ेगा दूसरी चीज़ है कि अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन जैसे ये 302 वालों को हरी साड़ी पहनाना है किसी भी प्रिजन मैनुअल में नहीं लिखा है इनफैक्ट ये लिखा है कि 302 के लोगों को जेल प्रोवाइड कर सकता है वो इसलिए क्योंकि उन वो लोग ज़्यादातर अबेंडन हो जाते हैं अपनी फैमिली से तो एक्चुअली जो उनको हेल्प करने वाली चीज़ थी उसको आपने आपने उनको रेजिमेंटेशन वाली चीज़ बना दी एक पनिशमेंट बना दिया उसके लिए